हेलो दिस क्वेश्चन ये हमारा जो क्वेश्चन है 2075 भाद्र का है एंड यहाँ पे हमें कैलकुलेट करने बोला है ट्रू बियरिंग एंड बैक बियरिंग और हमारा जो है ये मैग्नेटिक बियरिंग एंड डिक्लीनेशन का एंगल ऑलरेडी दिया हुआ है नाउ डिक्लीनेशन जो है वो हमेशा नॉर्थ से होता है बस डिफरेंस ये होता है कि कभी वो ईस्ट तरफ जाता है कभी वेस्ट सो इन आवर केस यहाँ पे ईस्ट के तरफ जा रहा है सो नॉर्थ टू ईस्ट हमने एक एंगल बनाया है टू डिग्री ट्वेंटी मिनट नाउ जब हम ये एंगल बनाएंगे और जो लाइन जहाँ तक ये एंगल जाता है वहाँ हम एक लाइन बनाएंगे नाउ दिस लाइन इज़ मैग्नेटिक मेरिडियन और हमेशा मैग्नेटिक बियरिंग मैग्नेटिक मेरिडियन से स्टार्ट होता है ना कि नॉर्थ से हमेशा मैग्नेटिक बियरिंग का जो एंगल होता है वो मैग्नेटिक मेरिडियन से स्टार्ट होता है और मैग्नेटिक मेरिडियन फॉर्म तभी होता है जब डिक्लीनेशन होता है और यहाँ पर डिक्लीनेशन है टू डिग्री ट्वेंटी मिनट टू ईस्ट तो हम यहाँ से कैलकुलेट करके यहाँ तक पहुँचेंगे क्यों क्योंकि यहाँ पे कहा गया है फ्रॉम नॉर्थ टू वेस्ट भले यहाँ नॉर्थ कहा गया है लेकिन मैग्नेटिक मेरिडियन के लिए नॉर्थ कभी ट्रू नॉर्थ नहीं होता है वो हमेशा डिक्लीनेशन वाला नॉर्थ लेता है तो डिक्लीनेशन का ये हो गया हमारा एज्यूम्ड नॉर्थ या फिर जो भी डिक्लिनेशन से नॉर्थ आया है वो ये है सो so, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल 80 डिग्री 40 मिनट देन अब हमें चाहिए ट्रू बियरिंग तो ट्रू बियरिंग हमेशा नॉर्थ से होता है एज्यूम नॉर्थ से नहीं बल्कि ट्रू नॉर्थ से अब हम ये पूरे से इधर माइनस करेंगे तो हमारा ये एंगल आएगा विच विल बी आवर ट्रू बियरिंग सो आई हैव रिटर्न एयर एटी डिग्री फोर्टी मिनट माइनस टू डिग्री ट्वेंटी मिनट इकोज टू सेवेंटी एट डिग्री ट्वेंटी मिनट नॉर्थ टू वेस्ट नाउ अब हमें कहा गया पे ट्रू फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग फाइंड करने के लिए एंड एज वी नो फोर बियरिंग भी नॉर्थ से ही लिया जाता है लेकिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ से लेकर ऐसे करके जा रहा होता है सो so, हमें इतना एंगल पता चल गया इतना एंगल हमारा है सेवेंटी एट डिग्री ट्वेंटी मिनट तो अब नॉर्थ से लेकर यहाँ तक लाइन का जो एंगल होगा वो होगा 360 डिग्री माइनस सेवेंटी डिग्री 20 मिनट विच इज़ 281 डिग्री 40 मिनट एंड जो मतलब 281 डिग्री 40 मिनट है ऑब्वियसली इट इज़ मोर देन 180 डिग्री सो बीबी का जो फार्मूला होता है वो होता है एफ बी प्लस माइनस 180 डिग्री और यहाँ पे 281 डिग्री 40 मिनट ऑब्वियसली इट इज़ मोर देन हंड्रेड एटी डिग्री तो यहाँ पे माइनस होगा माइनस हंड्रेड एट्टी डिग्री लगेगा तो हमारा बी बी का आंसर आएगा वन जीरो वन डिग्री फोर्टी मिनट अगेन फॉर सेकेंड क्वेश्चन हमारे यहाँ हमारा यहाँ मैग्नेटिक बियरिंग दिया हुआ है वन ट्वेंटी डिग्री ट्वेंटी मिनट एंड डिक्लीनेशन दिया हुआ है थ्री डिग्री ट्वेंटी मिनट वेस्ट यहाँ पे हमें ईस्ट नहीं वेस्ट दिया हुआ है फ्रॉम नॉर्थ तो नॉर्थ से वेस्ट तक हमारा डिक्लीनेशन हो गया थ्री डिग्री ट्वेंटी मिनट अब ये जो एंगल बन रहा है एंगल जहाँ तक जाएगा वो हमारा लास्ट में एक लाइन जब हम तानेंगे तो वो हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन बन जाएगा सो एंड मैग्नेटिक बियरिंग मैग्नेटिक बियरिंग जो कि है 120 ट्वेंटी डिग्री ट्वेंटी मिनट इज़ ऑलवेज़ टेकन फ्रॉम द मैग्नेटिक मेरिडियन और इस केस में यह नहीं कहा गया है डायरेक्शन सो विल सपोज क्लॉकवाइज़ सो मैग्नेटिक मेरिडियन से लेकर जहाँ तक भी हमारा 120 ट्वेंटी डिग्री एंड ट्वेंटी मिनट जाए वहाँ तक एक एंगल बनाएंगे नाउ वी विल कैलकुलेट ट्रू बियरिंग एंड एंड ट्रू बियरिंग का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस डिक्लीनेशन इन केस ऑफ अगर प्लस में आए तो प्लस लेना है डिक्लीनेशन अगर माइनस में आ रहा है तो माइनस लेना है इट ऑल डिपेंड्स ऑपन द फिगर यू मेक नाउ अब इस फिगर के अनुसार हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन तो नॉर्थ से वेस्ट तक में जा रहा है इन थ्री डिग्री ट्वेंटी मिनट एंड हमारा इस लाइन से यहाँ तक जो एंगल है वो है वन ट्वेंटी डिग्री ट्वेंटी मिनट वी आर टेकिंग फ्रॉम मैग्नेटिक मेरिडियन अप टू द एंगल वन ट्वेंटी डिग्री ट्वेंटी मिनट सो हमें ट्रू बियरिंग चाहिए तो हमेशा ट्रू बियरिंग होता है नॉर्थ से नॉर्थ ट्रू नॉर्थ से so, तो ट्रू नॉर्थ तो यहाँ पे है तो ये पूरा एंगल माइनस दिस एंगल विल बी आवर ट्रू बियरिंग सो वन ट्वेंटी डिग्री ट्वेंटी मिनट माइनस थ्री डिग्री ट्वेंटी मिनट विच इज़ वन सेवेंटीन डिग्री नाउ ये हमारा ट्रू बियरिंग भी होगा और ये हमारा फोर बियरिंग भी होगा बिकॉज इट इज़ गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन नॉर्थ से एंटी क्लॉक वाइज जा रहा है सो so, ये हमारा फोर बियरिंग भी है एंड बैक बियरिंग अब अब ये जो एंगल है वन वन सेवन डिग्री ये लेस देन है वन एटी डिग्री से सो so हम यहाँ प्लस करेंगे बैक बियरिंग इक्वल्स टू एफ बी प्लस हंड्रेड एटी डिग्री विच इज़ टू नाइन्टी सेवन डिग्री सो हमारा फोर बियरिंग वन हंड्रेड सेवेंटीन डिग्री आ जाएगा एंड बैक बियरिंग टू नाइन्टी सेवन डिग्री एंड यहाँ पर नोट बना के रखा है जो कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था इन केस इफ़ एनी कन्फ्यूजन जस्ट रीड द नोट एक क्वेश्चन हमारा टू थाउजेंड सेवेंटी फाइव बाद का है जिसमें हमें कहा गया है करेक्ट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए ऑफ टेप नाउ गिवन, द लेंथ ऑफ स्टील टेप एल इक्वल्स टू थर्टी मीटर टेम्परेचर ऑफ़ टेप ड्यूरिंग स्टैंडरइज लेंथ जब हमारा लेंथ थर्टी मीटर था तभी का टेम्परेचर ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस था तो पुल एक्सर्शन था फिफ्टीन के जी नाउ ड्यूरिंग कैटेनरी जब हमारा कैटेनरी का ऑपरेशन चल रहा था उस टाइम का टेम्परेचर थर्टी डिग्री सेल्सियस था एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इक्वल्स टू जीरो पॉइंट जीरो टू फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर वेट पर मीटर इज ट्वेंटी फाइव ग्राम पर मीटर एंड यंग मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी ई टू पॉइंट वन जीरो इंटू टेन टू दावर सिक्स के जी पर मीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड कॉफिशन इलास्टिसिटी इलेवन इंटू टेन टू दाइनस सिक्स पर डिग्री सेल्सियस नाउ हमारा स्पेशल कंडीशन सिर्फ यहाँ पे ये है कि यहाँ पे दो पुल एक्सर्शन दिया हुआ है ड्यूरिंग कैटेनरी ऑपरेशन जब हमारा कैटेनरी चल रहा था उस टाइम का आ, पुल टेन के जी है एंड फिफ्टीन के जी है केस वन में हम टेन के जी रख के देखेंगे एंड केस टू में फिफ्टीन के जी सो फॉर केस वन वन पुल इक्वल्स टू टेन के जी सो एरर ड्यू टू टेम्परेचर इज अल्फा एल टी एम माइनस टी नोट जस्ट पुट ऑफ द वैल्यूज एंड थ्री पॉइंट थ्री इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री मीटर हमारा ये डायरेक्टली वैल्यू आ जाएगा एंड इट विल बी एडिटिव मतलब ये जुड़ेगा जो हमारा एरर आएगा उसमें ये ऐड हो रहा होगा एंड कैलकुलेशन ऑफ एरर ड्यू टू सैग सो हमारा सैग का फॉर्मूला है एल डब्ल्यू स्क्वायर बाई ट्वेंटी फोर एन स्क्वायर पी एम स्क्वायर एंड पी एम इज हेयर क्लियरली टेन के जी सो लेट्स फर्स्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वेट वेअर वेट इक्वल्स टू डब्लू डैश इंटू एल डब्ल्यू डैश जो था हमारा था वेट पर मीटर सो ट्वेंटी फाइव ग्राम पर मीटर इंटू थर्टी मीटर थर्टी मीटर हमारा स्टैंडर्डाइज लेंथ ऑफ टेप है एंड कैलकुलेशन के बाद थ्री बाई फोर के जी आएगा आंसर नाउ पुट दिस वैल्यू Into CS formula of CS is LW square 10 24 n square PM square. Then by putting all the values 7.03 into 10 to the power minus 3 meter. Question doesn't talk about span, so span number 1 hoga. And for the calculation of pool, we know the formula PM minus P naught L AE value of pool during measurement minus standardized pool. Then विल गेट द वैल्यू माइनस टू पॉइंट एट सिक्स इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री इट विल बी एडिटिव ये भी हमारा जो एरर आएगा उसमें जुड़ रहा होगा सो टोटल एरर इक्वल्स टू सी टी प्लस सी पी माइनस सी एस ओबियसली यहाँ मैंने लिखा है एडिटिव एडिटिव सब्ट्रैक्टिव एंड अगेन एडिटिव सो दिस विल गो इन एडिशन एंड दिस विल गो इन सब्सट्रैक्शन देन थ्री पॉइंट थ्री इंटू टेन टू माइनस थ्री प्लस अब हमारा यहाँ पे सी पीटिव है लेकिन यहाँ पे वैल्यू माइनस में आया है सो माइनस एंड सी एस इक्वल टू माइन माइनस सेवन पॉइंट थ्री इंटू टेन टू पावर माइनस थ्री विल गेट द वैल्यू सिक्स पॉइंट एट थ्री इंटू टेन टू पावर माइनस थ्री मीटर देन टोटल लेंथ जो हमारा आएगा वो होगा थर्टी माइनस थर्टी माइनस एरो ट्वेंटी नाइन पॉइंट नाइन नाइन मीटर नाउ फोर केस टू वन पुल इक्वल्स टू फिफ्टीन के जी कैलकुलेशन ऑफ एरोपरेचर इट विल बी सेम बिकॉज यहाँ पे वैल्यू भी वही यूज होगा जो वहाँ पे यूज़ हो रहा था लेकिन अब सैग में हमारा पी एम डिफरेंट है पी एम जो है यहाँ पे फिफ्टीन है सो so बस यहाँ पे फिफ्टीन का डिफरेंस होगा एंड आवर वैल्यू विल बी थ्री पॉइंट वन टू फाइव इंटू टेन टू पावर माइनस थ्री मीटर एंड ऑलवेज रिमेंबर सैग इज इन सबस्ट्रैक्टिव नाउ कैलकुलेशन ऑफ एरर ड्यू टू पुल पी एम माइनस पी नोट एल बाई देन आवर वैल्यू विल बी जीरो बिकॉज यहाँ पे पी भी फिफ्टीन है पी नोट भी फिफ्टीन है सो जीरो टोटल एर और इक्व टू सी टी प्लस सी पी माइनस सी एस देन हमारा वैल्यू जो आएगा वो है वन पॉइंट सेवन फाइव इंटू टेंथर माइनस फोर मीटर और हमारा जो करेक्शन आएगा फोर टेप इज थर्टी प्लस वन पॉइंट सेवन फाइव इंटू टेंट माइनस फोर सो थर्टी पॉइंट जीरो 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 वन सेवन फाइव मीटर जो हमारा ट्रू लेंथ ऑफ टेप है ये क्वेश्चन भी 2075 भाद्र का ही है जिसमें हमें कहा गया है टू फाइंड द आर एल ऑफ ऑल द पॉइंट्स वेयर सेवेंथ रीडिंग का आर एल हमें दिया गया है 552.535 सो सेवेंथ रीडिंग को हमें बेंचमार्क माना गया है एंड यहाँ पे उसका वैल्यू दे दिया गया है अप्लाई यूजुअल चेक एंड हमें यहाँ पे रीडिंग भी दिया गया है नाउ नाव ये भी कहा गया है इंटरवल है फिफ्टीन मीटर नाउ स्टेशन इंटरवल, रीडिंग रीडिंग में बी एस आई एस एफ एस राइज फॉल आर एल रिमार्क स्टैंडर्ड लेवल बुक टेबल नाउ इंटरवल स्टार्ट होता है तो हमारा ज़ीरो हो रहा होता है एंड बी एस आई एस एफ एस कैसे रखना है यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ओबियसली हमारा बी एस पे जाएगा जब तक कि शिफ्टिंग ना हो शिफ्टिंग कैसे पता चलेगा यहाँ पर तो कहा ही नहीं गया था सो टू पॉइंट टू फोर अब यहाँ से लेकर यहाँ देखोगे तो सडनली राइज हो रहा है सडनली ये जीरो पॉइंट नाइन एट टू से टू पॉइंट एट एट थ्री हो रहा है अब घट नहीं रहा है सीधा बढ़ रहा है सो so, यहाँ पे हमारा शिफ्टिंग हो रहा है तो so, इसी तरीके से हम पता लगाएंगे कि शिफ्टिंग कहाँ पे और कैसे हो रहा है सो टू पॉइंट टू फोर एट आई एस वन पॉइंट सिक्स सिक्स एट एंड एफ एस एस जीरो पॉइंट नाइन एट टू अब हमारा शिफ्टिंग हो रहा है तो ऑब्वियसली हम शिफ्ट होकर यहाँ चले जाएंगे और शिफ्टिंग का जो वैल्यू था वो है टू पॉइंट एट एट थ्री टू पॉइंट एट एट थ्री टू पॉइंट सेवन फोर जीरो वन पॉइंट टू सेवन टू एंड फिर से यहाँ पे 0.635 के बाद 1.985 आ रहा है तो हमारा यहाँ पे भी शिफ्टिंग हो रहा है देन अगेन 0.635 के बाद हम फिर से यहाँ पे आ गए 1.985 पॉइंट नाइन एट फाइव देन वन पॉइंट वन जीरो वन पॉइंट जीरो ज़ीरो फाइव लास्टली ज़ीरो पॉइंट एट फोर फाइव देन बी एस का सम निकालेंगे एफ एस का सम निकालेंगे विच इज़ दिस मच नाउ वी विल चेक कि यहाँ पे राइज़ हो रहा है या फॉल हो रहा है इफ़ हम बी एस से आई एस आई एस से एफ एस फिर बी एस से आई एस आई एस से दिस दिस टू दिस जब हम माइनस करते रहेंगे तो अगर हमारा पॉजिटिव में वैल्यू आएगा तो राइज़ में जाएगा इफ हमारा नेगेटिव में वैल्यू आएगा तो फॉल में जाएगा नाउ 2.248 पॉइंट टू फोर एट माइनस वन पॉइंट सिक्स सिक्स एट ऑब्वियसली इट इज़ पॉजिटिव सो हमारा ये राइज़ में गया ऐसे करके हम सबको करेंगे बस हमें याद ये रखना है कि इससे इसको माइनस करना है फिर इससे इसको नहीं करना है अब इसका काम ख़त्म हो गया अब यहाँ से फिर से हम यहाँ से यहाँ से इसको माइनस करेंगे सो ऑलवेज रिमेंबर दिस टू दिस दिस टू दिस एंड देन अगेन शिफ्टिंग बैक टू टू पॉइंट थ्री देन टू पॉइंट एटी थ्री माइनस टू पॉइंट सेवन फोर ज़ीरो जैसे करके हमारा राइज आ जाएगा एंड हमारा समेशन होगा फोर पॉइंट सिक्स फाइव नाइन यहाँ पे हमारा आर एल है वो सेवेंथ रीडिंग में दिया हुआ है यहाँ पे सेवेंथ रीडिंग है सेवेंथ रीडिंग में हमारा आर दिया हुआ है नाउ फॉर कैलकुलेशन ऑफ द डाउनवर्ड जब हम डाउनवर्ड कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा सिंपली वो एड होते जाएगा आर एल प्लस राइज इक्वल्स टू नेक्स्ट आर एल जो हमारा ये आर एल है प्लस राइज इफ फॉल में हो रहा होता है माइनस होता है अभी राइज में है सो आर एल प्लस राइज इक्वल्स टू दिस वैल्यू फाइव फाइव थ्री पॉइंट फाइव वन फाइव लेकिन अब तो हमें ऊपर का निकालना पड़ेगा तो तभी हम वही तरीका यूज़ करेंगे लाइक आर एल प्लस राइज इक्वल्स टू नेक्स्ट आर एल बस हमारा फ़र्क ये रहेगा कि हमारा ये आर एल नहीं दिया हुआ है हमें नीचे का आर एल दिया हुआ है हमारा ये आर एल नहीं पता है हमें फ़ाइव फाइव टू पॉइंट फाइव थ्री फाइव पता है एंड राइज़ पता है सो फॉर्मूला वही होगा बस थोड़ा सा शिफ्टिंग करके हम वैल्यू निकालेंगे फाइव वन फाइव फाइव वन पॉइंट एट नाइन एट देन ऐसे ही करके हम ऊपर 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 जब जाएंगे तो ठीक हम वही तरीका यूज करके एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं ऑफ अपर आर एल अप्लाइंग अर्थमेटिक चेक समेशन बी एस माइनस समेशन एफ एस राइज माइनस फॉल लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल तो हमारा वैल्यू आएगा फोर सिक्स फाइव नाइन अब यहाँ पे पूछा तो नहीं गया है ग्रेडियंट लेकिन इफ पूछे तो ग्रेडियंट इक्वल्स टू डिफरेंस इन आर एल जो हमारा ये डिफरेंस आया है फोर पॉइंट सिक्स फाइव नाइन डिवाइडेड बाई डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट आर एल एंड लास्ट आ तो डिस्टेंस दिस, जो था वो है वन जीरो फ़ाइव यहाँ स्टेशन वन से लेकर एट तक जो तो डिस्टेंस हमारा वन ज़ीरो फाइव है सो ग्रेडियंट विल बी वन बाई टू टू पॉइंट फाइव फोर सो ग्रेडियंट ऑफ लाइन इज़ वन इन ट्वेंटी टू पॉइंट